इसी मुद्दे पर हिमालयन न्यूज से प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री धीरेन्द्र प्रताप ने क्या कुछ कहा, सुनिए। उत्तराखंड कांग्रेस सरकार की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से नई दिल्ली में जंतर मंतर से इन्होंने हुकार भरी है कि केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड की सरकार की उपेक्षा कर रही है। इन्हीं तमाम आरोपों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ धीरेन्द्र प्रताप जी, उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री हैं, बातचीत करने के लिए हमारे साथ है। आपके क्या आरोप है, क्या मांग है आपकी बीजेपी सरकार? देखिए, उत्तराखंड बड़े संघर्षों के बाद बना राज्य है। ये बड़े अफसोस की बात है कि आज 14 साल बाद एक 14 साल के शिशु प्रदेश को, ये बाल प्रदेश है जो हिमाचल बना था, हरियाणा बना था, 1966 में बना था, आज 48-49 साल हो गए तब जाके वो एक सशक्त राज्य बना। आज हम 14 ही साल के एक शिशु प्रदेश हैं, दिल्ली की मोदी सरकार ने हमारे उपेक्षा करनी शुरू कर दी है। जो 14वां वित्त आयोग आया है उसमें हमारे 2100 करोड़ रुपये की सहायता कार्ड दी गई है। जो हमारा स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस था वो स्टेटस छीन लिया गया है, और यही कारण है 3 महीने में दूसरी बार किशोर उपाध्याय जी के नेतृत्व में, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में, हमें दिल्ली में दस्तखत देनी पड़ी है। हम मोदी जी से साफ कहना चाहते हैं, मोदी जी, इस देश की आज़ादी के लिए हमने सबसे बड़ी कुर्बानियां दी हैं। 1962, 1965, 1971, कारगिल युद्ध, कोई युद्ध ऐसा नहीं है जिसमें हम सबसे ज़्यादा हमने कुर्बानियाँ ना दी हों। हम फर्स्ट वर्ल्ड वार में, सेकेंड वर्ल्ड वार में हमने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। आज हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है, और यही कारण है हमने आज कह दिया कि उत्तराखंडी भोला है और भड़क गया तो सोला है। आज अगर आपने उत्तराखंडियों के साथ इस तरह का व्यवहार जारी रखा, सौतेला व्यवहार जारी रखा, तो उत्तराखंड की वादियों में अशांति फैलेगी जो देश के लिए घातक साबित हो सकती है। ये मैं चेतावनी देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी। उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री धीरेन्द्र प्रताप जी का साफ तौर पर कहना है कि अगर उत्तराखंडी भड़का तो ये नरेंद्र मोदी सरकार के लिए भारी पड़ सकता है। दीपक के साथ अभिषेक तिवारी, जंतर मंतर, नई दिल्ली, हिमालय न्यूज़।